एक दशक में जम्मू कश्मीर में क्रिकेट ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ है, युवाओं का उत्साह बढ़ाया है और एक मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया है। इस क्षेत्र से क्रिकेट के प्रति रुचि ये उछाल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर अपनी छाप छोड़ने वाले क्रिकेटरों के उभरने के कारण है। खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सक्रिय प्रयासों ने इसकी लोकप्रियता को और आगे बढ़ाया है, जिससे क्रिकेटरों की नई पीढ़ी को जोश और पेशेवर तरीके से अपने जुनून को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन मिला है। पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से खेल की सरगर्मियों को फ़रोग दिया गया है, सरकारी सतह पर भी यहाँ पे अब जितने भी जम्मू कश्मीर में ग्राउंड्स है, प्ले फील्ड्स है, उनको काफ़ी हद तक प्रमोट किया जाता है, उनको काफ़ी हद तक उनकी मरम्मत भी की जाती है। लेकिन जिस तरह से पिछले खासकर 2019 के बाद यहाँ जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालातों में काफ़ी हद तक सुधार पैदा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे जो यूथ नई जनरेशन है वो खेल की सरगर्मियों में काफ़ी हद तक एंगेज नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज हम इसी मुनासिबत से आज हम बिजबिहारा जबलीपुरा के एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद है, यहाँ पे इस वक्त एक क्रिकेट मैच चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, खास बात यह है कि यहाँ पे ये वही इलाका है जहाँ से परवेज रसूल, जिसने बैन अवी सतह पर क्रिकेट खेला है, और रासिक सलाम इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं कि उन्होंने किस तरह से IPL में और बैन अवी सतह पर क्रिकेट को प्रमोट किया, क्रिकेट की नुमाइंदगी की, और जिस तरह से पिछले कई सालों से भी सरकार की यही कोशिश होती है कि यहाँ के जो यूथ है उनको किस तरह से इन खेलों की तरफ राकिब कराया जाए, किस तरह से उनको एंगेज किया जाए। फिलहाल हमारे साथ कुछ क्रिकेटर्स मौजूद है जो लोकल क्रिकेटर्स है यहाँ पे हैं, जो JKCA से जिनके नुमाइंदगी है, और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे खेल कूद चल रहा है और किस तरह से यहाँ पे पिछले कई सालों से खेल जो क्रिकेट है, खासकर क्रिकेट है क्योंकि क्रिकेट यहाँ पे मकबूल आम का एक खेल है, किस तरह से यहाँ पे प्रमोट होता है। उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर साहब आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। आप बताइए कि जिस तरह से यहाँ पे अभी जो क्रिकेट का सीजन चल रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से एक बेहतरीन सी तब्दीली आई है कि यहाँ पे अब जो नौजवान है वो दीगर कामों के बजाय खेल को अब ज्यादा तरजीह देने लगे हैं। देखिए निसार साहब, बात ऐसी है कि जो ये क्रिकेट है यहाँ पे जो लोकल प्लेयर जो खेलते थे तो ऐसे ही टाइम पास के लिए खेल रहे थे, मतलब मुझे नहीं लगता था कि कोई खेल रहा था, प्रोफेशनली खेल रहा था। जब से परवेज रसूल ने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया तब से एक जो क्रिकेट का जो ग्राफ है ना, ये ऊपर की तरफ बढ़ गया। मतलब सब लोगों ने, मतलब जो भी कोई क्रिकेट से एफिलेटेड है, जो भी कोई गेम खेल रहा था, तो उसने इसको प्रोफेशनली लिया, उसने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया, उसने ये बाकी मतलब खेलों में ध्यान दिया। जैसे कि अभी हमारे यहाँ से फुटबॉल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल टीम में, हमारे यहाँ पे फुटबॉल के लिए वो दानिश फारूक जैसे खिलाड़ी वो जा रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो कोई किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में भी जा रहा है, तो कोई क्रिकेट में भी जा रहा है। तो बड़ा सुधार आया है तब से, जब से परवेज रसूल आए तब से बड़ा सुधार आया है क्रिकेट में यहाँ पे कश्मीर में। हाल ही में रिसेंटली कुछ खासकर जिस इलाके में है मौजूद है यहाँ से रासिक सलाम IPL बॉय, IPL खेल के आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी सतह पर भी अब ये कोशिशें हो रही है कि जो कश्मीर का यूथ है उनको खेलों में एंगेज कराया जाए, आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी स्कीमें चलाई, जैसे कि खेलो इंडिया बहुत सारा पैसा आ रहा है, ग्राउंड्स बना रहे हैं, मतलब एथलेटिक ट्रैक्स बना रहे हैं। एज ए क्रिकेट प्रमोटर आप किस एतबार से देखते हैं कि कश्मीर में इस वक्त जो सपोर्ट्स का जो सपोर्ट्स की जो सूरत हाल है, सपोर्ट्स किस तरह से यहाँ पे प्रमोट हो रहा है, और जो नौजवान नस्ल है, एक खुशाइन बात है कि आप नौजवानों की बड़ी तादाद सपोर्ट्स की तरफ जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली निसार साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रहा है यहाँ पे, अगर लोकल लेवल पे देखा जाए इट हैज़ बीन लाइक टेकन टू अ डिफरेंट लेवल। जहाँ तक देखा जाए लोकल जो हमारे जो यंग टैलेंट है, काफ़ी उनका प्रदर्शन है, काफ़ी इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इस गेम की ओर। इट इज़ ओनली बिकॉज कि जो हमारा नेशन है, जो हमारी कंट्री है, यू कैन सी एक जो क्रिकेट है इसको एक डिफरेंट अंदाज से, डिफरेंट लेवल से देखा जाता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न। एंड इन एडिशन टू दैट, जो यहाँ के हमारे स्टेट से भी काफ़ी प्लेयर्स नेशनल लेवल पे गए हैं, IPL लेवल पे खेला है, स्टेट लेवल पे खेला है, तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ के जो यूथ है, यहाँ के जो लोकल क्रिकेटर्स है, काफ़ी ज़्यादा इसको, मतलब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। एंड इन एडिशन टू दैट आई वुड से कि गवर्नमेंट के साइड से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है अभी, जो कि पिछले 5-10 सालों से हम नहीं देख रहे थे। 10 साल पहले अगर बात करें तो उस तरह से हमें उस तरह इस चीज़ की और उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। आई थिंक गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग समथिंग गुड इन ऑर्डर टू प्रमोट द गेम, इन ऑर्डर टू प्रमोट द क्रिकेट।